हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे स्पेशल घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगी, एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं। यह आपके चेहरे की स्किन को टाइट बना देगा और कालेपन को दूर कर देगा, और धूप की वजह से जो चेहरे पर कालापन हो जाता है, जो टैनिंग हो जाती है, उसको भी रिमूव कर देगा। और जो चेहरे पर जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मुहासों के निशान और चेहरे के दाग धब्बों को दूर करके चेहरे को गोरा और बेदाग बना देगा। ये बिल्कुल नेचुरल नुस्खा है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में मिलने वाली चीजों से ही आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कच्चा दूध ही लेना है, उबले हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चे दूध में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को दूध की तरह गोरा और चमकदार बनाती है। यहाँ पर आपको आधा कप कच्चा दूध लेना है। अब इसके बाद में जो सेकंड चीज लेनी है वो है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल के फायदे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये मुहासों को दूर कर देता है और साथ ही आपके चेहरे को गोरा और चमकदार भी बनाता है। यहाँ पर आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल का यूज करना है। अब इसके बाद में आपको लेना है रोज वाटर, यानी कि गुलाब जल। गुलाब जल आपके चेहरे पर एक क्लींजर की तरह काम करता है। यह आपके चेहरे से जमी हुई धूल मिट्टी को, गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आपको 2 चम्मच गुलाब जल ऐड करना है। अब इसके बाद में जो लास्ट चीज लेनी है वो है टर्मेरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। फ्रेंड्स, अगर आपको हल्दी सूट करती है तो आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी चेहरे की रंगत को निखारती है, साथ ही आपके चेहरे को गोरा और चमकदार बनाती है और आपके चेहरे पर होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर करती है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 1 चुटकी के आसपास ही हल्दी यूज करनी है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा ली है, अगर आप इसे कम भी बनाना चाहें तो आपको इसी क्वांटिटी के अनुसार आप इसे कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप 2 तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। पहले तरीके में तो आपको इसी तरीके से बनाकर इसे अपने फेस पर यूज कर लेना है। आपको इसे किसी कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पर इसी तरीके से लगा लेना है। इसकी 2 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करें और उसके बाद में आपको इसे ऐसे ही 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही ओवरनाइट लगाकर छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे इसे वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके अच्छे और चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ जो कि गर्मियों में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस रेमेडी का आपको पहले आइस क्यूब बनाना है, फिर उसका यूज करना है। इस तरीके से इसमें भरकर आपको इसकी आइस क्यूब बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यह फ्रीज हो चुका है और अब इसकी आइस क्यूब बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस आइस क्यूब को अपने चेहरे पर धीरे धीरे रब कीजिए, चेहरे पर, गर्दन पर और जहां पर भी आपका कालापन है, आप इस आइस क्यूब को वहां पर रब कीजिए। इसको लगाने के बाद में आपको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है और फिर आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आइस क्यूब लगाने से आपकी स्किन टाइट और खूबसूरत बनेगी। यह आपकी स्किन को टाइटनिंग और वाइटनिंग लुक देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और साथ ही आपकी स्किन को दूध की तरह गोरा और चमकदार भी बनाएगा। आप इसे वीक में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। पहले वीक के इस्तेमाल से ही आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही नेचुरल और घरेलू रेमेडीज लाती रहूंगी, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद देने वाली होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।